जा रही हूँ डॉक्टर बतूल के पास और उनसे पूछ रही हूँ कि अगर उनको ये ईदी चाहिए 50 रुपए का नोट चाहिए तो मुझे फटाफट 50 के अंदर अंदर कोई एक कमाल चीज बता। मैं बताऊँ ये आज सब बात किफाया चार हो गए हैं, 50 से भी कम में बताया जा रहा है जी। ये लीजिए, ये है वो 50 रुपए का नोट जो हमारे काम आएगा, ये आपके लिए जी। अब हम इसे क्या करेंगे? हम इससे बना रहे हैं व्हाइटनिंग। व्हाइटनिंग जी, ठीक है, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है। हाँ। डार्क सर्कल पे भी यूज कर सकते हैं, नकल्स पे भी, हर जगह के लिए। अच्छा। पूरे फेस के लिए, गर्दन सब, ठीक है। इस तरह मैंने ये 3 टुकड़े कर लिए हैं। हाँ। एक छिलके के, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे दूध, खुश दूध आधा टीस्पून। हाँ। और आधा टीस्पून जो है सोडा, मीठा सोडा। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, ठीक है, और पानी की जगह जो है हम इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। लेमन 2 से 3 ड्रॉप बस, ठीक है, ठीक है। हाँ। इस तरह ये झाग बनने लग जाता है इससे, ठीक है। इसको जो है, और जितने छिलके हैं ये सेव कर लें, ठीक है। केला बच्चों को खिला दीजिए, खुद खा लीजिए। और इसके ऊपर जो है ये दोनों मिक्स करके ऐसे लगा दीजिए। पाउडर्ड मिल्क था, पाउडर मिल्क और सोडा, पानी, सोडा। अच्छा, जिनकी बहुत खुश जिल्द हो। हाँ। वो एक विटामिन ई की कैप्सूल भी शामिल कर सकते हैं इसी में, जिनकी बहुत खुश्क है, क्योंकि आजकल खुश नहीं हो रही है। हाँ। तो ये सर्दियों के लिए भी इफेक्टिव है और गर्मियों के लिए भी। हाँ भाई, किसको कराना है गोरा रंग? और ये सिर्फ इस तरह, सिर्फ इस तरह करके या फ्रीज कर दीजिए। आ जाइए आप, आप, आप। अभी आप एक हाथ पे या अंडर आई पे लगा कर जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। आधे घंटे के लिए रखना, गिरिएगा नहीं, खुशी खुशी आ रही है, जरा आई पे हेल्प कर दो। ये देखो जरा, आप तो स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, अभी भी है, बास्केटबॉल का मुकाबला कर सकती हैं आप। बैठे प्लीज, बैठे। क्योंकि जो है वो केले के छिलके में और केले के अंदर विटामिन के बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। किस तरह करेंगे? देखो, अब इन्हें जो है हम इस तरह करेंगे, पहले आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ? आपने फेस पे कुछ लगाया? पाउडर लगाया है, मेकअप करके आई हैं। ठीक है, इसके बाद आई हैं तो मेकअप करती हैं ना। हाँ। चाहिए बस इनको क्लिंजिंग करके हमने जो है वो जिस तरह मसाज करते हैं। हाँ। उसी तरह ये लेकर आऊं केले के छिलके? जी बिल्कुल, ये एक प्याले में रख लीजिए ताकि। जी ये केले के छिलके के ऊपर लगाया है वो मिक्सचर जो है, पाउडर्ड मिल्क, सोडा, खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा, मीठा सोडा, और अपना थोड़ा सा पानी का स्प्रे। और अगर आपकी ऑयली है स्किन, ड्राई है, सॉरी, तो विटामिन ई की कैप्सूल, ई की कैप्सूल भी मिक्स कर लें इस मिक्सचर में। केले के ऊपर जैसे जैम मक्खन और जैम डबल रोटी के ऊपर लगाते हैं, वैसे केले के ऊपर लगाया। अच्छा, अब देखें डायरेक्शन जो होती है ना हमारी, सबसे पहले हम अंडर आई स्टार्ट करेंगे, ऐसे रखा, आप रख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और इसके बाद जो है हमने हल्का सा मसाज करना शुरू करना है, थोड़ी देर आउटवर्ड, बिल्कुल आउटवर्ड जो है, क्योंकि मैं कह रही हूँ इसको फ्रीज कर लें आप एक दफ़ा ना। अब 6 जो है केले इस्तेमाल हुए हैं तो आप रख तो नहीं सकते, वो ख़राब हो जाएंगे छिलके। हाँ। उसी वक्त ये बस 2 चीज़ें चाहिए आपको, सोडा भी घर में होता है और मिल्क पाउडर भी घर में होता है। केलों पे लगा के आप कह रही है फिर फ्रीज करें? जी फ्रीज कर दीजिए, पहले छिलके को फ्रीज कर। नहीं नहीं नहीं, इसी के ऊपर लगा के फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो आपने बस जब भी आप फ्री हो आपने निकाला, ठंडा ठंडा लगा लिया, इससे क्या होगा ओपन पोर्स बंद होंगे, डार्क सर्कल खत्म होंगे। अभी आप सिर्फ इसका इफेक्ट देखिएगा। अच्छा, ये पूरी दुनिया में अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो है वो फेशियल आया है, बनाना पील फेशियल, बनाना पील फेशियल, अभी लेटेस्ट बिल्कुल 3 महीने भी नहीं हुए हैं इसको, और क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ये इसमें हो गया 10 रुपीज से भी कम है। मेरे 50 रुपए वापस करें आप, मुझे 100 रुपीज दे दीजिए। और ये आधा घंटा आपने 10 to 15 मिनट्स इस तरह मसाज करेंगे, क्योंकि विटामिन के छिलके में से निकलता रहता है। अच्छा, ठीक है, 15 मिनट्स ऐसे लिफ्ट अप, विटामिन के लिफ्टिंग भी बहुत अच्छी कराएगा, विटामिन के जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, एक्नी रिड्यूस करता है, बहुत सारे इसके फायदे। मतलब मैंने सारी जिंदगी केलों के छिलके सुने होंगे आपने, रगड़ते हुए अपनी मम्मी को देखा है, लेकिन केले के छिलके रगड़ते हुए मैं पहली दफा देखा। ये अब रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती जा रही है ना, जबरदस्त जबरदस्त जी। हम आधे फेस पे कीजिएगा ताकि आधे फेस पे कर रही हूं कि पूरे फेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मेरी ईदी काम है ये जी।